आज अपन क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? हाँ, ट्रायंगल। तो इसके लिए सबसे पहले अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं। उसमें अपने क्या करना पड़ेगा, लेजर की नंबरिंग करनी रहेगी। अब लेजर की नंबरिंग कैसे करते हैं, तो हम एक्सेल ओपन करें, टैली ओपन करके नहीं बता रहे हम, टैली में अपन बाद में कर लेंगे, जो एंट्री अपन एक्सेल में करेंगे। ठीक है, तो अपन एक्सेल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे है क्या, नहीं है। अपन क्या करेंगे, विंडो की प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक्सेल सर्च कर लेंगे। ठीक है, अब आप सभी स्टूडेंट, अच्छा कॉमर्स सब्जेक्ट से कौन कौन है? ठीक है, तो आपने 12th में पढ़ा था। अपन एंट्री करते हैं डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट करते हैं। तो अपन इस टाइप से यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एंट्रीज का डेट लिया, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर, और यहाँ पे एलएफ, हाँ लेजर फोलियो इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे अमाउंट डेबिट, अमाउंट डेबिट लिख देते हैं अपन, ब्रैकेट में लिख दें इसको। ठीक है, और इसको लिख देते हैं अमाउंट क्रेडिट, मतलब सीआर। अब आप सभी को पता है सीआर को क्या बोलते हैं, टू या बाय? अच्छा, ये क्रेडिट है, ये क्या होता है, टू होता है या बाय होता है? टू होता है क्रेडिट, और डेबिट होता है बाय। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो अपन यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसका साइज भी बड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एंट्री का नाम लिखेंगे, इसका छोटा कर लेते हैं और इसका फिर बड़ा कर लेंगे अपन। तो ये फॉर्मेट तैयार कर लेंगे हम, आ जाएगा इतना। यहाँ पर इसका साइज थोड़ा अपन बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट का, अपन ने भी कॉलम का साइज बड़ा किया था। अपन थोड़ी सी एंट्रियां कर लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इतना आ जाएगा फॉर्मेट तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेट डालेंगे, एक लाइन छोड़े या फिर नहीं छोड़े, छोड़ दें, यहाँ से करते हैं। डेट कौन सी डालेंगे, जिस डेट को आपको जो एंट्री होगी वो, या फिर जैसे अपन एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, इस टाइप से भी डाल सकते हैं अगर डेट नहीं डालनी तो। जैसे कि हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं, हमने ले ली 10/5/2023, ये ले लिया। ठीक है, डेट नहीं डालना आपको, तो यहाँ पे नॉर्मली आप 1 लिख सकते हैं, पर यहाँ से डेट का एक्सेप्ट करें, जनरल कर दें, तो ये 1 एंट्री हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट एंट्री रहती है नगद, नगद बिजनेस, नगद रुपए लगाकर बिजनेस प्रारंभ किया, पर कितने रुपए, 10 लाख रुपए नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो एंट्री क्या होगी, टू में कैपिटल, बाय में कैश। तो ये तो आप किस में करते हैं, टैली में। लेकिन आपकी हार्ड कॉपी का नियम होता है कि बाय हमेशा ऊपर आता है और टू हमेशा नीचे आता है, लेकिन टैली में क्या होता है, वो टैली का नियम अलग हो जाता है, वो ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंग लेता है, लेजर्स के अकॉर्डिंग। उसके लेजर रहते हैं ना, वाउचर एंट्री करते हैं आप, जैसे कि सेल्स का लेजर बनाया है आप, तो सेल्स का अलग रहेगा, ऊपर नीचे टू बाय, उस अकॉर्डिंग लेते हैं वो। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी जैसे अपन इसकी कर रहे हैं, तो इसमें अपन को बाय हमेशा ऊपर रखना है, नीचे टू रखना है। तो बाय में क्या आता है आपका, कैश। तो यहाँ पे अपन लिख दें बाय कैश, बाय में कैश आएगा, टू में कैपिटल आएगा। ठीक है, हाँ कहाँ चले आप, एंट्री है, क्वेश्चन है आपके पास। देखिए आपका क्या रहेगा यहाँ पे, कैश पहले, ठीक, तो अपन यहाँ पे कैश लिख देते हैं। आपके यहाँ पे वो नहीं है, उसमें फर्स्ट वाली नहीं है सीट, एंट्री लेजर की नंबरिंग कर रहा है ना अपन, ये वाली नहीं है। तो बाय में अपन क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, इस टाइप से। अब बाय मतलब क्या होता है आपका, डेबिट, डेबिट। ठीक है, तो कितने रुपए, 10 लाख बोला था हमने,
10 लाख आ जाएंगे, 10, 100, 1,000। हाँ कॉमन लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, हो गया। जैसे कॉमा देना है तो आप यहाँ पे ये है ना कॉमा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। ये देखिए ये कॉमा दिया है यहाँ पे। इसका थोड़ा साइज अपन बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा है तो समझ नहीं आ रहा होगा। अब ठीक है, अब बाय आ गया। बाय में कैश, टू में क्या आएगा आपका कैपिटल। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं, पर आपको पता है यहाँ पे नहीं आता, जस्ट इसके नीचे थोड़े आगे आता है। तो अपन यहाँ पे स्पेस से कर लेते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैपिटल। तो यहाँ पे तो ये डैश लगा देते हैं हार्ड कॉपी में, आपको पता है, पर इसमें अगर आप लगाएंगे तो वो एक अलग इस टाइप से फॉर्मूला टाइप का लेता है। तो अपन इसमें इसलिए ब्लैंक छोड़ देते हैं, इसमें लिख देते हैं 10 लाख, या फिर आप इसी को क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना जैसा आपको ठीक लगे। क्या ठीक 10 लाख है ना, 1 लाख नहीं 10 लाख है। हाँ ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई है। अब अपन यहाँ पे सेकंड स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अपनी ये सेकंड एंट्री है। अब सेकंड एंट्री आपकी यहाँ पे आती है, नगद माल खरीदा, कितने रुपए का, मान लीजिए 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो एंट्री क्या होगी, बाय परचेज टू कैश। तो बाय में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, परचेज। तो इसमें कितना अमाउंट आएगा आपका, 10,000। अब यहाँ पे टू कैश लिखना है आपको, टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, 10,000। ठीक है, अब अपन यहाँ पे थर्ड एंट्री करते हैं। आपको नरेशन लिखना है तो आप नरेशन भी लिख लेना। इसकी क्या हो जाएगी, नरेशन बी स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश ऑन कैश। ठीक है, बीइंग स्टार्ट इज बिजनेस ऑन कैश। तो आप यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। ठीक है, तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है सेल्स का, और भी इसी के करने हैं परचेज के, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे उधार वाला करना हो, फोन पे द्वारा करना हो भुगतान का, तो वो भी कर सकते हैं आप। अपन अपन अभी नॉर्मल नॉर्मल कर लेते हैं, बाद में हम बीच बीच में ऐड करवा देंगे एंट्री यहाँ। ओके, तो चलिए अब अपन यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स का करते हैं। माल बेचा, नगद माल बेच रहे हैं अपन 15,000 रुपए का, तो बाय में क्या आएगा आपका, कैश, कितने रुपए, 15,000, यही आएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, टू, कितने रुपए, 15,000। अरे यही होती है हार्ड कॉपी करनी है, इसी टाइप से एंट्रियां करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन फोर्थ नंबर की एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एक्सपेंसेस ले लीजिए, जैसे रेंट दिया आपने, कमीशन दिया इस टाइप का, फिर आपको मिला, कर लेते हैं थोड़ी बहुत अपन एंट्रियां। तो यहाँ पर लिख लेंगे, जैसे कि रेंट दे रहे हैं अपन, 10,000 रुपये रेंट दिया आपने, तो एक्सपेंसेस को बाय करते हैं, तो बाय में क्या आ जाएगा, रेंट, कितने रुपए, 10,000। और टू में क्या आ जाएगा, अगर आपने नगद दिया है तो क्या आ जाएगा, कैश, टू कैश कर देते हैं। फिफ्थ एंट्री ले लेते हैं अपन, कितने लेजर्स हो, सॉरी फिफ्थ आएगा यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही हुए अभी तो। चलिए अपन यहाँ पे क्या कर दिया हुआ, कमीशन और ले लेते हैं। हाँ बाय आएगा, सॉरी बाय कमीशन, कितने रुपए, मान के चलिए 9,000, इसमें और लिख ही देते हैं अपन 9,000, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, टू। अब आपने कमीशन किसके द्वारा दिया है, फोन पे द्वारा दिया है, तो टू क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है,